हेलो गाइस, तो मैं सलोनी खंडेलवाल आपके साथ फिर से आ गई हूँ, लेकिन इस बार मैं कोई डांस नहीं कर रही। मैं आपको एकदम बेसिक से बेसिक स्टेप सिखाने आई हूँ। एक छोटा सा ट्यूटोरियल, सबसे फर्स्ट बेसिक जो हमारे डांस में हमारे बहुत काम आता है वो है डिपिंग, जो हमारे बॉलीवुड में हर एक डांस में काम आता है। तो सबसे पहले आज हमारा, और हाँ ये मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल है, सो प्लीज लाइक करिएगा, मेरे इस ट्यूटोरियल को शेयर करिएगा और बहुत प्यारे से अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रेडी, कम ऑन। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं डिपिंग के लिए, मेरे लेग्स पे ध्यान दीजिए। कोई भी लेग आप ले सकते हैं, मैं अपने लेग ले रही हूं, एक लेफ्ट को थोड़ा सा आगे रख रही हूं, राइट को थोड़ा पीछे रख रही हूं। आप चाहो तो राइट लेग आगे रख सकते हो, चाहो तो लेफ्ट लेग आगे रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, अब क्या करना है, यहां से देखिए ये मेरा राइट लेग है। हमें ये 3 स्टेप्स में और बहुत जल्दी सीखना है डिपिंग, ये बहुत ईजी है। 3 स्टेप्स में हम लोग कैसे सीखेंगे, पहला स्टेप इसको सीखने का ध्यान दीजिएगा, मैंने हाथ कमर पे रख दिए ताकि आपको इजी दिखे और यही चीज आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, तो फिर देखिए झट से आपको ये स्टेप आ जाएगा। ये मैंने अपने हाथ कमर पे रखी है, अब मेरे लेग्स पे ध्यान दीजिएगा। पीछे वाला लेग सबसे पहले आपको, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, पीछे वाले लेग को टैप 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 टैप। अच्छा, एक चीज का बेनिफिट और है, मींस लेग चलाते हैं तो कमर भी हमारे साथ में चल सकती है, कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, लेग पीछे का टैप करना। ओके, अब ये लेग टैप करते करते सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, आगे वाला जो लेग है उसको ऊपर करना। तो टैप, जैसे ही पीछे वाला लेग हो रहा है आगे वाला लेग ऊपर हो रहा है। ओके, पीछे वाला लेग टैप, आगे वाला लेग ऊपर, क्लियर? आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी मेरे साथ, कितना इजी है देखिए, बस ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करती रहिएगा। अब कमर, थर्ड स्टेप हमारी कमर, कमर कैसे चलेगी, यही करते करते साइड में कमर निकालिए, ठुमका, ये कितना इजी है। हेलो गाइस, तो मैं सलोनी खंडेलवाल आपके साथ फिर से आ गई हूँ, लेकिन इस बार मैं कोई डांस नहीं कर रही, मैं आपको एकदम बेसिक से बेसिक स्टेप सिखाने आई हूँ। एक छोटा सा ट्यूटोरियल, सबसे फर्स्ट बेसिक जो हमारे डांस में हमारे बहुत काम आता है वो है डिपिंग, जो हमारे बॉलीवुड में हर एक डांस में काम आता है। तो सबसे पहले आज हमारा, और हाँ ये मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल है, सो प्लीज लाइक करिएगा, मेरे इस ट्यूटोरियल को शेयर करिएगा और बहुत प्यारे से अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रेडी, कम ऑन। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं डिपिंग के लिए, मेरे लेग्स पे ध्यान दीजिए। कोई भी लेग आप ले सकते हैं, मैं अपने लेग ले रही हूं, एक लेफ्ट को थोड़ा सा आगे रख रही हूं, राइट को थोड़ा पीछे रख रही हूं। आप चाहो तो राइट लेग आगे रख सकते हो, चाहो तो लेफ्ट लेग आगे रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, अब क्या करना है, यहां से देखिए ये मेरा राइट लेग है। हमें ये 3 स्टेप्स में और बहुत जल्दी सीखना है डिपिंग, ये बहुत ईजी है। 3 स्टेप्स में हम लोग कैसे सीखेंगे, पहला स्टेप इसको सीखने का ध्यान दीजिएगा, मैंने हाथ कमर पे रख दिए ताकि आपको इजी दिखे और यही चीज आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, तो फिर देखिए झट से आपको ये स्टेप आ जाएगा। ये मैंने अपने हाथ कमर पे रखी है, अब मेरे लेग्स पे ध्यान दीजिएगा। पीछे वाला लेग सबसे पहले आपको, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, पीछे वाले लेग को टैप 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 टैप। अच्छा, एक चीज का बेनिफिट और है, मींस लेग चलाते हैं तो कमर भी हमारे साथ में चल सकती है, कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, लेग पीछे का टैप करना। ओके,
अब ये लेफ्ट टैप करते करते सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, आगे वाला जो लेग है उसको ऊपर करना। तो टैप, जैसे ही पीछे वाला लेग हो रहा है आगे वाला लेग ऊपर हो रहा है। ओके, पीछे वाला लेग टैप, आगे वाला लेग ऊपर। क्लियर? ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी मेरे साथ, कितना इजी है देखिए। बस ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करती रहिएगा। अब कमर, थर्ड स्टेप हमारी कमर, कमर कैसे चलेगी, यही करते करते साइड में कमर निकालिए, ठुमका। ये कितना इजी है। ओके, सो देखा कितना इजी था डिपिंग करना, था ना? बस आप इसकी प्रैक्टिस करती रहिएगा और फिर देखिए कहीं पे भी आप जाओगे ये डिपिंग आपके बहुत काम आएगी। ये सबसे बेसिक स्टेप होता है डिपिंग करना, जो हमारे बॉलीवुड के हर एक सॉन्ग में चलता है। और इस तरह से काफी सारे स्टेप्स होते हैं, बट उन सबको देखने के लिए हम जो बाद में ट्यूटोरियल्स बनाएंगे उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो बेल आइकन है उसको हिट करना पड़ेगा। और प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जब आप शेयर करें मेरे व्यूज आए, मुझ पे कमेंट्स आए, तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा और तभी मेरी इच्छा होगी कि मैं आप लोगों के लिए खूब सारे ट्यूटोरियल बनाऊं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय।